राजस्थान दिवस यहाँ सूचना केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। उसमें राजस्थानी संस्कृति को, कला और संस्कृति के आधार पर जितने भी कलाकार हैं उनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान दिवस 2022 विरासत एवं संस्कृति का पर्व सूचना केंद्र स्थित मुक्ताकाशी रंगमंच पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस 2022 को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ बुधवार शाम समारोह पूर्वक मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम सूचना केंद्र स्थित मुक्ताकाशी रंगमंच पर हुआ। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक संजय जौहरी ने बताया कि जिले में राजस्थान दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य जिला स्तरीय कार्यक्रम सूचना केंद्र स्थित मुक्ताकाशी रंगमंच पर हुआ। इसमें लोक कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इसका मुख्य आकर्षण मयूर नृत्य के साथ फूलों की होली रही। इसे डीग भरतपुर के जितेंद्र पारशर के दल ने प्रस्तुत किया। आज ब्रज में हो रही रसिया, होली खेल रहे रसिया और राधा संग होली की प्रस्तुतियों में ब्रज भूमि का एहसास कराया। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन का संदेश देने वाली गीतों भरी नुक्कड़ नाटिका का प्रस्तुतिकरण हुआ। इसे ग्रामोदय सामाजिक संस्थान तथा अपना थिएटर ने तैयार किया था। इससे स्वच्छता तथा हर घर नल कार्यक्रम की जानकारी दी गई। पादरला पाली के रूपदास के दल ने अपनी जादू भरी तन मन को कंपायन करने वाली वाणी की ताल पर 13 ताली नृत्य की प्रस्तुति दी। यह लोक देवता बाबा रामदेव की स्तुति के लिए हुआ। हेलो मारो श्याम लो वारी जावा रे महारा सदगुरु और जमुना के तीर जैसी प्रस्तुतियों ने सबको सम्मोहित कर दिया। बाड़मेर के हुसैन खान लंगा एंड पार्टी ने राजस्थानी गायन के माध्यम से समा बांधा। उनके दल ने केसरिया बालम के साथ आलाप लगाया। कल्याण राग पर आधारित लड़ली लूमा झूमा गीत पर भावपूर्ण प्रस्तुति दी। साथ ही मस्त कलंदर गीत पर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोक कलाकार गोपाल बंजारा के दल द्वारा लोक गायन व नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसकी प्रस्तुति देखकर राजस्थानी लोक कला की समृद्धता का एहसास हुआ। धरती धोरा री रूणे जारा राजा और भैरोजी थारो देवरो के लोक गीतों के साथ नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। इसके गीतों के संकलक महेश वैष्णव और कोरियोग्राफर नरेश कुमार और रैना शर्मा थे। रैना शर्मा ने पल्लू लटके नृत्य गीत भी प्रस्तुत किया। पुष्कर के लोक कलाकार कल्याण नाथ के दल ने कर्तव्ययुक्त कालबेलिया नृत्य प्रस्तुत किया। लोकवाद्य पुंगी की प्रमुखता वाले कालबेलिया गीत कालियोकूद पड़ियों के साथ प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर जिला जज M.L. भाटी, जिला कलेक्टर अंशदीप, MSET कोर्ट के न्यायाधीश नीरज भारद्वाज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट, CJM श्रीमती अंजिता अग्रवाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा, मुरारीलाल वर्मा, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, प्रोटोकॉल अधिकारी आलोक जैन, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी सुरेश सिंधी, उपखंड अधिकारी महावीर सिंह, दरगाह कमेटी के सहायक नाजिम डॉक्टर मोहम्मद आदिल, जिला शिक्षा अधिकारी अरुण शर्मा, जवाहर फाउंडेशन के सतीश बंसल, पार्षद हेमंत जोधा, सरपंच संघ के अध्यक्ष विष्णु सिंह राठौड़, पूर्व पर्यटन अधिकारी रतनलाल तूनवाल, हजारीलाल शर्मा सहित नगरवासी मौजूद रहे। जल जीवन मिशन कहीं हुए? अरे भाई दुखी राम जी, भाई थे तो गांव का खबरी ला लो, वो थाने हर चीज को खबर रेवे। हाँ जी सरपंच साहब, खबर तो रवे लेकिन कोई खबर सही नहीं रवे। अरे सरपंच साहब सही बता दो, काई है कामरी खबर है? हाँ कामरी खबर। हाँ जब कामरी खबर पर सुखी राम जी बता रहा था कि अब अपना अपना गाँव का मायने जल जीवन मिशन योजना चल रही है। अच्छा अच्छा। हाँ
भाई जल जीवन मिशन योजना को मुख्य उद्देश्य है हर घर नल जल। हर घर नल जल? हाँ, हर घर नल जल मतलब भाई ज्ञान आप हर घर का मायने गाँव का हर घर का मायने अब टूटी लागे ली। अच्छा अच्छा हाँ गीत सुना को नाम दे लो। यार एक बात बताओ तू लुगाई के नाम बहुत ज्यादा चिढ़े तू मेरे दोस्त है सबको दोस्त है थर पापा मारे पापा थर मम्मी मारी मम्मी थर का तो मारे काटो थर का की मारे काटी थर का तो मारे काटो थर भाई मारे भाई थर लुगाई मारे लुगाई। राजस्थान दिवस है, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज 20 मार्च को राजस्थान दिवस यहाँ सूचना केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। उसमें राजस्थानी संस्कृति को कला और संस्कृति के आधार पर जितने भी कलाकार हैं उनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में माननीय DJ साहब भी पधारने वाले हैं, कलेक्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं और अन्य जो गणमान्य नागरिक हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं। आज जो है 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाया जाता है हर वर्ष और आज पर्यटन विभाग के सौजन्य से और जिला प्रशासन के संयोजन से राजस्थान दिवस का कार्यक्रम यहाँ मनाया जा रहा है ओपन थिएटर सूचना केंद्र में। तो मेरी सभी अजमेर के निवासियों को राजस्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जिला प्रशासन की ओर से और सभी से ये निवेदन है कि अधिक से अधिक आप इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं और राजस्थान दिवस को पूरे उत्साह के साथ में मनाने में सहयोग करें।